पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक रहेगा MySQL डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे हम पाइथन को, यानी यहाँ पे हम पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करने वाले हैं MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टू हैंडल MySQL डेटाबेस फ्रॉम पाइथन यू नीड टू इंस्टॉल 3 things। अगर आपको पाइथन से MySQL डेटाबेस को हैंडल करना है, यानी इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, SQL की क्वेरी पास करनी है, ठीक है, इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, डिलीट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 चीज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। सबसे पहला, आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपके सिस्टम में MySQL भी इंस्टॉल होना चाहिए। ये दोनों चीज़ों को कैसे इंस्टॉल करते हैं हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे कि पाइथन और MySQL को कैसे इंस्टॉल करते हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। जब ये दोनों इंस्टॉल हो जाए सिस्टम में, तब आपको क्या करना है, थर्ड ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। MySQL का एक ड्राइवर होता है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। MySQL ड्राइवर हम क्यों इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि यही MySQL ड्राइवर के थ्रू ही हम पाइथन लैंग्वेज को MySQL डेटाबेस के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। विदाउट दिस ड्राइवर वी कैन नॉट क्रिएट कनेक्शन इन बिटवीन पाइथन एंड MySQL। तो इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, आपको अपना CMD ओपन करना है और ये कमांड टाइप करना है, python-m pip install mysql.connector-python। तो ये जो mysql.connector आप देख रहे हैं ना, यही है हमारा ड्राइवर, ठीक है। इसी ड्राइवर के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, पाइथन से MySQL को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल इसलिए करेंगे क्योंकि पाइथन कोड जब हम लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ड्राइवर इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने कोड में, तब जाके कनेक्शन क्रिएट होगा पाइथन और MySQL के बीच। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं कि इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने सिस्टम में। सबसे पहले हम अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे CMD और एंटर हिट करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाने के बाद step 1, मेक श्योर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कैसे करेंगे पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो आपको एक कमांड टाइप करना पड़ेगा, python-version 3.10.5। ये पाइथन का वर्जन शो कर रहा, इसका मतलब हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है और ये अभी का पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है। step 2, MySQL हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। तो वो आप कैसे चेक करेंगे, आपको कमांड देना पड़ेगा MySQL-version और एंटर हिट। तो यहाँ पे 8.0.31 ये हमारा MySQL का वर्जन शो कर रहा, इसका मतलब हमारे सिस्टम में MySQL भी इंस्टॉल्ड है और ये अभी MySQL का लेटेस्ट वर्जन है 8.3.1, ठीक है। step 3, हमें अपने सिस्टम में MySQL का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए हम pip कमांड का यूज़ करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दूँ, ये जो pip है पाइथन का एक पैकेज है, ठीक है, जिसके थ्रू हम पाइथन के किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे सिस्टम में MySQL का कनेक्ट वाला ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं, अगर हमें चेक करना हुआ तो यहाँ पर हम लिखेंगे pip list और एंटर हिट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, MySQL का कनेक्टर वाला ड्राइवर अभी इंस्टॉल्ड नहीं है हमारे सिस्टम में। तो इंस्टॉल करने से पहले हम अपने सिस्टम में VS Code को ओपन करेंगे। VS Code ओपन हो जाने के बाद फाइल वाले सेक्शन पे जाएंगे और हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले फोल्डर का नेम हम रख देते हैं MySQL और इस फोल्डर को सेलेक्ट करके हम ओपन कर लेंगे। फोल्डर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे MySQL फोल्डर के अंदर हम एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नेम हम दे देते हैं driver.py, ठीक है। फाइल क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हम कोड के जरिए, पाइथन प्रोग्रामिंग के जरिए चेक करेंगे MySQL कनेक्टर ड्राइवर इंस्टॉल्ड है सिस्टम में कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट कमांड यूज़ करेंगे, इम्पोर्ट MySQL.connector, ठीक है। आपको क्या करना है, ये कमांड यूज़ करना है और यहाँ पे हम अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए प्रिंट फंक्शन में एक मैसेज लगा देते हैं। मैसेज क्या होगा, ड्राइवर इज़ इंस्टॉल्ड। अगर ये मैसेज प्रिंट हो जाता है, इसका मतलब हमारे सिस्टम में ये MySQL का कनेक्टर ड्राइवर इंस्टॉल्ड है।
हालांकि पिप कमांड के थ्रू हमने आपको शो किया है कि इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर लो, लिस्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन पाइथन प्रोग्राम के जरिए भी हम चेक कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोग्राम रन करने के बाद टर्मिनल में आप देखेंगे आपको एरर थ्रो करेगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। इसका मतलब MySQL मॉड्यूल यानी ड्राइवर हमारे सिस्टम में अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, बाय यूजिंग पिप कमांड जो हमने आपको शो किया था। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पिप इंस्टॉल, उसके बाद आपको अपने ड्राइवर का नेम लिखना है। हम लिखेंगे यहाँ पे MySQL हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन। लेकिन ये कमांड एंटर हिट करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। मेरा सिस्टम कनेक्ट है, एंटर हिट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा MySQL ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है सक्सेसफुली, देखो मैसेज आ चुका है। अभी हम आपको पिप लिस्ट कमांड में शो कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारा MySQL कनेक्टर पाइथन ड्राइवर वर्जन 8.0.31 इंस्टॉल्ड हो चुका है, ठीक है। इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी हम इस प्रोग्राम को सेव करके फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ड्राइवर इज इंस्टॉल्ड, ये मैसेज प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब हमारे सिस्टम में ये MySQL कनेक्टर ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, पाइथन को MySQL के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्टेप वन अब हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट कनेक्शन। कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे पाइथन और MySQL के बीच, ठीक है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, MySQL डॉट कनेक्टर। ये जो ड्राइवर हमने इंस्टॉल किया इसको हमें सबसे पहले अपने पाइथन कोड में इम्पोर्ट करना पड़ेगा। आप इतना भी लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये एलियाज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम MySQL डॉट कनेक्टर ड्राइवर को बार बार लिखने के बजाय हम इस नेम को यूज़ कर ले एज अ रेफरेंस ऑफ दिस ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इस ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो MyDB नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, इसी ऑब्जेक्ट में सब कुछ स्टोर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपने इस ड्राइवर का एलियाज यूज़ कर रहे हैं माई कनेक्शन, ठीक है। डॉट कनेक्ट एक मेथड है जो कि इस कनेक्टर क्लास के अंदर है। कनेक्टर एक क्लास है, MySQL एक पैकेज है, MySQL डॉट कनेक्टर अपने आप में एक ड्राइवर है। तो इसी कनेक्टर क्लास के अंदर ये कनेक्ट मेथड है, और ये कनेक्ट मेथड में हम चार पैरामीटर पास कर सकते हैं। सबसे पहला होगा होस्ट नेम, तो यहाँ पे होस्ट का नेम देना है आपको डबल कोटेशन में। फिर आपको यूज़र नेम प्रोवाइड करना है, पासवर्ड देना है अपने डेटाबेस का, और डेटाबेस का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं तब आप डेटाबेस भी यहाँ पे पास करेंगे, डेटाबेस का नेम भी पास करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको पास नहीं भी करेंगे, ये कमेंट भी रहेगा तो चलेगा, बट ये ऊपर का तीन हमारा कंपलसरी है, होस्ट नेम यूज़र पासवर्ड। जब हम ये क्वेरी फायर करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि हमारा कनेक्शन क्रिएट हो चुका रहेगा पाइथन और MySQL के साथ। आपको प्रिंट में क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देना है। अगर कुछ भी एरर नहीं आता है, जस्ट ब्लैंक आउटपुट आता है, इसका मतलब MySQL से हम पाइथन को कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इतना ही स्टेप वन का प्रैक्टिकल आपको शो कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फाइल क्रिएट करेंगे अपने सिस्टम में। यहाँ पे फाइल का नेम हम दे देते हैं connect.py, ठीक है। ये एक सेपरेट फाइल है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ड्राइवर वाले फाइल से हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। इसको तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि विदाउट इसके हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एलियास क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले इस ड्राइवर के लिए, ठीक है। और उसी एलियास को हम यूज़ करेंगे। तो एलियास का नेम हम दे देते हैं माई कनेक्शन, माई कॉन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माई कनेक्शन जो हमने एलियास क्रिएट किया है इसका हम एक मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई कनेक्ट डॉट, मेथड है हमारा कनेक्ट, ठीक है। इस मेथड में हमें चार पैरामीटर पास करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें देना पड़ेगा होस्ट नेम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे होस्ट इक्वल टू, डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद कॉमा, आपको क्या देना पड़ेगा, यूज़र। तो यूज़र हमारा क्या होगा, यूज़र होगा हमारा रूट, ठीक है। क्योंकि हम जब MySQL इंस्टॉल किए थे तो रूट यूज़र
सेलेक्ट किए थे। ओके, फिर आएगा हमारा अगला पासवर्ड। पासवर्ड आपको वही प्रोवाइड करना है जो आपने MySQL इंस्टॉलेशन के टाइम में प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे हम दे देते हैं अपना पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शनल पैरामीटर होता है जिसमें आप क्या करेंगे, डेटाबेस का नेम शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अभी कुछ भी शो नहीं करेंगे। जस्ट हम क्या करेंगे, अपने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और अपने उस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम MyDB एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अभी हम पाइथन में प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन में MyDB ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, MyDB को प्रिंट करेंगे और एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। ओके, अगर ये मैसेज प्रिंट होता है इसका मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो यहाँ पे अभी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। यहाँ पे देखो मैसेज आ चुका है, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, और ये एक यूनिक आईडी जनरेट हुआ है। ये आईडी का मतलब ही होता है कि अभी कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, SQL का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक खुद का डेटाबेस क्रिएट करेंगे। स्टेप नंबर टू क्या है हमारा, डेटाबेस क्रिएट करना। हम क्या करेंगे, अभी एक डेटाबेस क्रिएट करके आपको दिखाएंगे, और ये जो भी डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे ना, इसी डेटाबेस के अंदर हम अपने डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करने का आपके पास दो ऑप्शन होता है। पहला होता है MySQL, आप डायरेक्टली अपने डेटाबेस को ओपन करो, डेटाबेस को टच करो और वहीं पे डेटाबेस क्रिएट कर लो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन होता है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में जाके डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। पाइथन लैंग्वेज के थ्रू कोड लिख के हम क्या करेंगे, MySQL डेटाबेस के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा अप्रोच, पाइथन यूज़ करेंगे हम। तो कैसे होगा ये काम, डेटाबेस को चाहे क्रिएट करना हो या फिर डेटाबेस के साथ डील करना हो, आपके पास दो ऑप्शन होता है, मैंने आपको बता दिया। पहला डेटाबेस खुद होता है, इसी में आप डायरेक्टली अपना काम कर लो। सेकंड होता है लैंग्वेज, लेकिन हम लैंग्वेज को क्यों सेलेक्ट करें, लैंग्वेज को हम क्यों यूज़ करें डेटाबेस में ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे सिंपल सा रीज़न है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपको फ्रंट एंड से कोई डेटा डेटाबेस में भेजना है या फिर चेंजेस कुछ डेटाबेस में चेंजेस परफॉर्म करने हैं, तो आपको लैंग्वेज के थ्रू ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम फ्रंट एंड से कुछ भी चेंजेस पास करेंगे अपने डेटाबेस में, तो ये डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे लैंग्वेज के पास भेजना पड़ेगा। तो वो कुछ कोड होगा, सबसे पहले हमारा जो भी डेटा होगा वो किसी कोड को रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो कोड हमारा इसी लैंग्वेज में लिखा होगा। कोड को रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कोड हमारा डेटाबेस को हिट करेगा और हमारा जो भी डेटा है वो डेटाबेस में जाके सेव होगा बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज पाइथन भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि हम डेटाबेस से लैंग्वेज को कनेक्ट क्यों करते हैं। प्रोजेक्ट में जनरली यही होता है, अगर आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा अप्रोच, पाइथन यूज़ करेंगे हम। तो कैसे होगा ये काम, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, MyDB यानी जो हमने पाइथन से MySQL को कनेक्ट करने का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, उस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है कर्जर। कर्जर मेथड का एक ही काम होता है, कर्जर मेथड के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, SQL ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन वाला मेन ऑब्जेक्ट के पास है कर्जर मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर्जर मेथड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए हैं, DB कर्जर। अब हम क्या करेंगे, SQL का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ये सब ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इस ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट मेथड में हम अपना एक्चुअल SQL का क्वेरी पास कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, यहाँ से हम SQL का क्वेरी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेरी है डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हम लिखे हैं क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, यानी लर्न कोडिंग डेटाबेस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं और इसी डेटाबेस के अंदर हमारा सारा टेबल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर दें हम आपको, एग्जीक्यूट फंक्शन अवेलेबल है कर्जर ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, और कर्जर फंक्शन अवेलेबल है मेन कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, जो हम पाइथन से SQL को कनेक्ट करने का क्रिएट किए थे, ठीक है। तो अभी चलिए हम डेटाबेस क्रिएट करके आपको प्रैक्टिकली शो कर रहे हैं। अपना एक खुद का डेटाबेस क्रिएट करेंगे,
तो एक और फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं सेपरेट फाइल। फाइल का नेम हम दे देंगे डेटाबेस डॉट पाई, ठीक है। और कुछ कोड कॉमन होगा, कुछ लाइन ऑफ कोड कॉमन होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ अलग लाइन ऑफ कोड भी हमें लिखना पड़ेगा डेटाबेस क्रिएट करने का। तो हमारा जो माई डी बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका एक मेथड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कर्जर, ठीक है। कर्जर मेथड के थ्रू ही हम एसक्यूएल की क्वेरी को परफॉर्म कर पाएंगे पाइथन में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट का नेम दे देते हैं डी बी कर्जर, कुछ ऐसा नेम दो जो आपको समझ में आए, ठीक है। तो अभी इस डी बी कर्जर ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड होता है, ठीक है, डी बी कर्जर के पास एक मेथड होता है एग्जीक्यूट, और यहीं पे हम क्या करेंगे, एसक्यूएल की क्वेरी पास करेंगे। तो डबल कोटेशन में एसक्यूएल का क्वेरी पास करेंगे हम, ठीक है। क्रिएट, डेटाबेस क्रिएट करना है हमें, डेटाबेस, डेटाबेस का नेम हम दे देते हैं लर्न कोडिंग, ये हमारे डेटाबेस का नेम होगा, ठीक है। प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और यहाँ पे इसको हम रन करेंगे। उससे पहले एक मैसेज दे देते हैं डेटाबेस क्रिएटेड, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो डेटाबेस क्रिएटेड, इसका मतलब लर्न कोडिंग नाम का डेटाबेस बन चुका है, और इसी लर्न कोडिंग डेटाबेस में ही हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सो डेटा बेसिस, लेकिन उससे पहले आपको MySQL डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे कमांड देना पड़ेगा MySQL, उसके बाद यूज़र का नेम रूट, ठीक है, हाइफन यू, एक सेकेंड, पहले यूज़र नेम, उसके बाद यूज़र का नेम रूट, फिर हमारा हाइफन पी यानी पासवर्ड डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए। अभी हम पासवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं अपना, डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होंगे तो हम डेटाबेस देख नहीं पाएंगे कि कितना डेटाबेस है सिस्टम में, ठीक है। अभी आ गए हैं हम देखो MySQL के अंदर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अगर सो डेटाबेसेस, तो ये हमें बताएगा कि हमारे रूट यूज़र में कितना डेटाबेस है। तो यहाँ पे देखो लर्न कोडिंग डेटाबेस भी शो कर रहा है, इसका मतलब हमने खुद का डेटाबेस क्रिएट कर लिया है और पहले से भी ये कुछ डेटाबेस है हमारे MySQL में, ठीक है। तो अभी इसी लर्न कोडिंग डेटाबेस के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। स्टेप थ्री हमारा क्या होगा, हम कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा स्टेप थ्री है। तो आपको लिखना पड़ेगा माई डी बी ऑब्जेक्ट डॉट कर्जर, ठीक है, उसके बाद इस कर्जर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे, और अभी एग्जीक्यूट फंक्शन में हम क्वेरी पास करेंगे टेबल को क्रिएट करने का क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लिया क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और यहाँ पे कॉलम हो गया हमारा नेम, इसका टाइप वर्कर, रोल इसका टाइप हमने नंबर दिया, यानी हम दो कॉलम क्रिएट कर रहे हैं अपने टेबल में। और ये जो टेबल हमारा क्रिएट होगा ना एम्प्लॉई, ये हमारा लर्न कोडिंग डेटाबेस में क्रिएट होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट होगा प्रैक्टिकली। तो उसके लिए हम एक सेपरेट पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे और फाइल का नेम दे देते हैं हम टेबल, ठीक है, टेबल डॉट पी वाई। यहाँ पे हमारा टेबल बनेगा, तो कुछ लाइन ऑफ कोड हमारा कॉमन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस कनेक्ट मेथड में एक और पैरामीटर पास करेंगे, उसका नेम रहेगा डेटाबेस, यानी डेटाबेस का नेम हम यहाँ से पास कर देते हैं लर्न कोडिंग। तो इसका मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं जो भी टेबल क्रिएट करूँ वो लर्न कोडिंग डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो, इसीलिए मैंने डेटाबेस का नेम भी पास कर दिया है। अगर हम यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का नेम पास नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे रूट यूज़र में जो डेटाबेस अवेलेबल है उसमें टेबल क्रिएट करेगा, लेकिन हम चाहते हैं हमारे डेटाबेस में क्रिएट हो, इसीलिए मैंने पास किया है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन कोड का और नीड होगा यहाँ से। तो क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। क्वेरी हमारा चेंज रहेगा, अभी डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रहा, अभी टेबल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नेम एम्प्लॉई, उसके बाद कॉलम, तो कॉलम का नेम यहाँ से हम पास करेंगे, ठीक है। कॉलम का नेम होगा पहला रोल,
इसका टाइप देंगे हम इंट, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू आएगा। फिर क्या होगा, नेम, एम्प्लॉई का नेम, इसका टाइप रहेगा वर्कर, क्योंकि इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू चाहते आए, तो इसका 20 कैरेक्टर लॉन्ग रहेगा, ठीक है, साइज इनफ रहेगा। और टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। अगर टेबल क्रिएट हो, क्या होना चाहिए, टेबल क्रिएटेड, ठीक है। तो ये मैसेज प्रिंट हुआ, इसका मतलब यही कि टेबल बन गया है। तो प्रोग्राम को अगर हम रन करें, एग्जीक्यूट करें, तो यहाँ पे आप देखो टेबल क्रिएटेड एम्प्लॉई टेबल बन चुका है हमारे डेटाबेस में, लर्न कोडिंग डेटाबेस में। तो लर्न कोडिंग डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट हुआ, हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे हमें क्वेरी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। टेबल्स देखने के लिए आपको इस क्वेरी के जगह पे सो टेबल्स क्वेरी पास करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सो टेबल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीबी कर्जर को प्रिंट करेंगे, ठीक है, डीबी कर्जर को प्रिंट करेंगे। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को अभी हम रन करें तो क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे आउटपुट टेबल का नेम तो नहीं आया है, लेकिन सो टेबल से प्रिंट हो गया। इसका मतलब इसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा और प्रिंट फंक्शन प्रिंट कर दे रहा, जैसे हम नॉर्मली किसी भी स्ट्रिंग को वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करते हैं। लेकिन हमें टेबल का नेम जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लूप यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर फोर लूप यूज़ कर रहे हैं हम, डीबी कर्सर ऑब्जेक्ट में ही कितने टेबल हैं हमें देखना है। तो इस फॉर लूप के अंदर इस प्रिंट मेथड को हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पे लूप वेरिएबल आई को हम प्रिंट कर देंगे। और अभी प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो लर्न कोडिंग डेटाबेस के अंदर कितने टेबल है, एक टेबल है ईएमपी, ठीक है। अगर हम और भी टेबल क्रिएट कर लें, ठीक है, और टेबल मान लो हम क्रिएट कर लें, एक और टेबल हम क्रिएट कर देते हैं ईएमपी टू, ठीक है, और प्रोग्राम को रन कर दे, टेबल क्रिएटेड। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से सेम लूप वाले कोड पे बैक जाना पड़ेगा। तो कंट्रोल वाई हमारा काम नहीं कर रहा, फटाफट हम लिख देते हैं डीबी कर्जर के अंदर ये प्रिंट फंक्शन में हम लूप वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। आई को हम प्रिंट कर दिए हैं, इसको यहाँ पे रखते, नहीं तो इंडेंटेशन एरर थ्रो करेगा। अभी यहाँ पे ये हमें एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि क्वेरी यहाँ पे सो टेबल्स पास करनी पड़ेगी, सो टेबल्स। तो देखो यहाँ पे लर्न कोडिंग डेटाबेस के अंदर दो टेबल है, ईएमपी और ईएमपी टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आपके डेटाबेस में कितना टेबल आपने क्रिएट किया है। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, टेबल क्रिएट हो चुका है, रिकॉर्ड इंसर्ट करने का। स्टेप नंबर फोर हमारा क्या रहेगा, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टेबल बन चुका है तो हम उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट करने का क्वेरी लिखे हुए हैं। पाइथन से MySQL कनेक्टिविटी का जो कोड है वो कॉमन है, वो हर एक पेज में रहेगा, तो अभी हम बार बार वो नहीं लिखेंगे, हम जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे प्रैक्टिकल सेशन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट का क्वेरी क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम देना है, उसके बाद आपके टेबल में कितना कॉलम आपने क्रिएट किया था, दो कॉलम, तो दो कॉलम का नेम दो। वैल्यूज़, तो यहाँ पे हम परसेंटेज टू टाइम्स दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास टू कॉलम्स है, और ये परसेंट एस के जगह पे हम अपना एक्चुअल वैल्यू को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट वैल्यू इक्वल टू हम लिखेंगे, और पहला वैल्यू हमारा ये परसेंटेज होल्ड करेगा, सेकंड वैल्यू हमारा ये परसेंटेज होल्ड करेगा, ठीक है। और ये हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया हमारे टेबल में इस तरीके से, ठीक है। आपको लिखना क्या है, इंसर्ट हाइफन वैल्यू लिखना है, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ से पास कर दो आप, तो आपके टेबल में इस तरीके से आप रिकॉर्ड देखेंगे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया लेकिन वो हमारे डेटाबेस में इंसर्ट एक्चुअल में हुआ नहीं है, सेव हुआ नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट मेथड को कॉल करना पड़ेगा कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हम इंसर्ट क्वेरी कोमा इंसर्ट वैल्यू दो पैरामीटर पास करेंगे इस एग्जीक्यूट मेथड में। आप चाहें तो ये क्वेरी ही पास कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी इंसर्ट वैल्यू हमने पास कर दिया और एग्जीक्यूट करके हम कमिट कर रहे हैं, तो अभी क्या होगा, हमारे टेबल में रिकॉर्ड ये इंसर्ट हो जाएगा जो हमने ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। कमिट अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमने जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट किया है टेबल में, जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं होगा इसीलिए। और ये कमिट मेथड हमारा MyDB ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है, ठीक है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था
पाइथन से MySQL को क्रिएट करने का, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाला ऑब्जेक्ट, वहाँ पे ये कमिट मेथड अवेलेबल है। तो चलिए प्रैक्टिकल शो करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे होगा इस क्वेरी के थ्रू। तो यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर ले रहे हैं इंसर्ट डॉट पाई, ठीक है, और कुछ लाइन ऑफ कोड जो कि कॉमन रहेगा, इतना दूर तक का कोड हम कॉपी करके यहाँ पे इंसर्ट में पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे इंसर्ट का क्वेरी होगा हमारा, इंसर्ट का क्वेरी है इंसर्ट इनटू ईएमपी टेबल में हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉलम का नेम देना है। कॉलम का नेम था हमारे रोल नंबर, रोल, और एक था क्या ई नेम, ठीक है। कॉलम का नेम सही दीजिएगा, नहीं तो आपको एरर थ्रो करेगा। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा वैल्यूज़, और वैल्यूज़ को यहाँ पे परसेंट एस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये परसेंट एस के जगह पे हमारा एक्चुअल वैल्यू रिप्लेस होगा जब हम पास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड, अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड तो अभी हम एक्चुअल वैल्यू इंसर्ट किए नहीं है, तो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा नहीं। दोनों कॉलम के लिए हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम कॉमा देंगे, उसके बाद रोल नंबर 10 दे देते हैं और नेम दे देते हैं एम्प्लॉई का अंकुश, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट में एक मैसेज पास करते हैं जिससे हमें पता चले कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे db_cursor.rowCount। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा में डबल कोटेशन में मैसेज दे देंगे रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। अगर ये मैसेज प्रिंट हुआ है इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। प्रोग्राम को रन करते हैं हम, तो यहाँ पे अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, 1 record inserted, इसका मतलब हमारे टेबल में ये वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। अगर हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, उसके लिए हमें सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम अपने डेटाबेस में सेलेक्ट क्वेरी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्न कोडिंग डेटाबेस के अंदर जो टेबल एम्प्लॉई है उसमें कितना रिकॉर्ड है देखना है हमें। तो यहाँ पे देखो एम्प्टी सेट बता रहा, मतलब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। भले ही यहाँ पे 1 record inserted बोल रहा, लेकिन रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने कमिट नहीं किया है। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कमिट करना पड़ेगा। तो अपने MyDB ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड होता है कमिट, जिसको हम यूज़ करके कमिट कर सकते हैं। अभी अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे 1 record inserted और एक्चुअल में अभी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, यहाँ पे देखो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप और भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, 20 दे दो यहाँ पे, यूज़र का नेम दे दो अखिलेश, और इसको सेव कर दो। फिर से एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, आप अपने डेटाबेस में चेक कर लो, यहाँ पे देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा। आप यहाँ पे पाइथन टर्मिनल में भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस अप्रोच से अगर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो एक बार में हम एक रिकॉर्ड ही इंसर्ट कर पा रहे हैं अपने टेबल में, और जितने बार प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उतना रिकॉर्ड यहाँ पे आपको एक एक करके दिखेगा। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है कि एक बार में हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर लें। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम इस क्वेरी को यूज़ करेंगे, यहाँ से हटा देंगे इसको, और एक यहाँ पे हम वेरिएबल बना लेते हैं db insert नाम का, और ये क्वेरी उसी वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, ठीक है। db insert नाम का हमने बना लिया। अब हम एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे db list, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट के फॉर्म में मल्टीपल वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो मान लो 30 कर रहे, उसके बाद नेम दे देते हैं अनीस, उसके बाद हम और भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो फिर हम इसी तरह से यहाँ पे 40 कर देंगे, नेम दे देंगे हम अल्ताफ। इसी तरह अगर मान लो एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे 40, डबल कोटेशन में नेम दे देते हैं हम रोहित। तो यहाँ पे देखो एक बार में हम मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हम हर एक रिकॉर्ड के लिए एक सेपरेट टपल क्रिएट कर रहे हैं अपने लिस्ट के अंदर। तो 3 record इंसर्ट किए हैं तो 3 tuple क्रिएट किए, और हमारे लिस्ट में एक साथ हम 3 value इंसर्ट करके db list वेरिएबल में स्टोर कर दिए हैं। अभी मल्टीपल वैल्यू को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन ना यूज़ करके एग्जीक्यूट मेनी मेथड यूज़ करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने db insert को कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, db insert को हम कॉल करेंगे, पास कर देंगे, और उसके बाद db list को,
और ये कमिट है, प्रोग्राम को सेव करें और इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए 3 रिकॉर्ड इंसर्टेड। देखो एक बार में 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। डेटाबेस में चलते हैं, यहाँ पे देख लो एक बार में ये 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया कि नहीं। यार पहले का 2 रिकॉर्ड तो हमारे डेटाबेस में भी एंट्री हो गया, तो ये सारा रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब अगर मान लो अभी हम आपको डेटाबेस में रिकॉर्ड सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे मुझे पाइथन में ही यहीं पे अपने टर्मिनल में रिकॉर्ड देखना है टेबल में कितना है, तो कैसे देखेंगे? स्टेप नंबर 5, सेलेक्ट रिकॉर्ड। अब हम सेलेक्ट करके आपको दिखाएंगे कि हमारे टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट है कि नहीं, कितना रिकॉर्ड इंसर्ट है हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट क्वेरीफायर करेंगे। तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मेथड का काम ही होता है SQL का क्वेरी को पास करना। तो यहाँ पे अभी हम सेलेक्ट वाला क्वेरी पास कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। इसका मतलब EMP टेबल में जितना भी रिकॉर्ड इंसर्टेड है वो सभी सेलेक्ट होकर हमारे सामने आ जाए। तो यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड नहीं आएगा कि हमने ये लाइन परफॉर्म कर दिया रिकॉर्ड आ गया। आपको क्या करना पड़ेगा, माई कर्सर ऑब्जेक्ट के पास एक और मेथड है फेच ऑल, ठीक है। फेच ऑल मेथड से क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड टेबल के अंदर प्रेजेंट है वो सब आपके सामने प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन में। तो यहाँ पे इसका भी हम एक ऑब्जेक्ट बना लिया माई रिजल्ट। इस माई रिजल्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप के अंदर प्रिंट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए हम एक पाइथन की सेपरेट फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड को कॉपी कर लेंगे सेलेक्ट के लिए। ये सारा कोड का रिक्वायरमेंट होगा तो यहाँ पे इस फाइल में पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हम अपना सेलेक्ट वाला कोड लिख देंगे। सेलेक्ट का कोड क्या है, सेलेक्ट स्टार मतलब पूरा रिकॉर्ड आना चाहिए, टेबल का नेम एम्प्लॉई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली लाइन में अपना DB कर्सर को कॉल करेंगे। DB कर्सर डॉट फेच ऑल एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है। फेच ऑल का मतलब सारा रिकॉर्ड फेच करके हमें दिखाओ। तो इसका हम क्या कर रहे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे। तो यहाँ पे DB सेलेक्ट नाम का मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, ठीक है। और इसको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट फंक्शन में क्या कर रहे, इसको प्रिंट कर दे रहे किसको, DB सेलेक्ट को। और प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे यहाँ पे शो करने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा और हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं शो कर रहा, नो डेटाबेस सेलेक्टेड, ठीक है, क्योंकि हम डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किए। तो ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं, लर्न कोडिंग डॉट एम्प्लॉई, अब तो दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जितने भी रिकॉर्ड्स थे हमारे टेबल में वो लिस्ट के फॉर्म में हमें यहाँ पे शो कर रहा, ठीक है। इसका मतलब हम रिकॉर्ड फेच कर पा रहे। फेच ऑल मेथड के थ्रू हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक ही बार में देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ फेच वन यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक रिकॉर्ड अगर हमें देखना हुआ तो एक रिकॉर्ड अभी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी एक रिकॉर्ड ही प्रिंट हुआ है, लेकिन आप इस काम को इस तरीके से भी कर सकते हैं, फेच ऑल ही रहने देते हैं, हम एक लूप यूज़ कर लें बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लूप वेरिएबल का नेम दे देते हैं DB डेटा, ठीक है। इन DB कर्सर से रिकॉर्ड आएगा, ओके। और इसका पास एक मेथड था फेच ऑल, उसको तो हम यूज़ करेंगे ही। और इस लाइन का भी कोई काम नहीं है। और ये जो प्रिंट मेथड है इसको हम लूप वेरिएबल के अंदर इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पे हम DB डेटा को प्रिंट करेंगे। ये बेटर अप्रोच होगा मल्टीपल रिकॉर्ड्स को शो करने का। तो यहाँ पे देखो अभी रिकॉर्ड बढ़िया से शो हुआ कि नहीं न्यू लाइन में, बिल्कुल हमारे डेटाबेस की तरह। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम के थ्रू, कोड के थ्रू डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। अब अगला काम हमारा क्या होगा कि हम रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 7, रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू MySQL डेटाबेस में जाके। तो कैसे होगा ये चीज़, आपको अपडेट वाला क्वेरी यहाँ पे पास करना पड़ेगा, अपडेट एम्प्लॉई टेबल का नेम, सेट रोल इक्वल्स टू %s, यानी यहाँ पे आपका अपडेटेड वैल्यू रहेगा, वेयर नेम इक्वल टू %s, यानी किस रिकॉर्ड को आप अपडेट कर रहे हैं, किसके साथ अपडेट कर रहे हैं। जैसे मान के चलो ये हमारा जिसका भी नेम अंकित है उसका क्या हो जाए, रोल नंबर 100 हो जाए, ये हम अपडेट कर रहे हैं। मान लो पहले रोल नंबर 10 था, अभी हम चाहते हैं वो 100 हो जाए, तो ये होगा हमारा अपडेट क्वेरी। उसके बाद हम क्या करेंगे,
ये अपडेट क्वेरी और ये सेट वैल्यू दोनों को यहाँ पे पास कर देंगे एग्जीक्यूट मेथड में और कमिट कर देंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकली शो करते हैं कि कैसे अपडेट होगा। अपडेट करने के लिए हम एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लेते हैं सेपरेट, अपडेट डॉट पी वाई, ठीक है। और यहाँ से ये कोड को हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, इसका रिक्वायरमेंट होगा अपडेट में। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डीबी अपडेट नाम का वेरिएबल डीबी डेटा, ठीक है, या फिर अपडेट डीबी अपडेट डेटा नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और अपना अपडेट का जो क्वेरी है यहीं पे हम पास करेंगे। तो अपडेट टेबल करने में ईएमपी, उसके बाद हम लिखेंगे सेट और हमारा पहला कॉलम है रोल इक्वल परसेंट एस, ठीक है, यानी रोल नंबर हम अपडेट करने का ट्राई करेंगे वेयर नेम के थ्रू, ई नेम इक्वल परसेंट एस। तो ये परसेंट एस के जगह पे हम एक्चुअल वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रिप्लेस करेंगे, एक और कॉलम बना लेते हैं डीबी वैल्यू ऑब्जेक्ट बना रहे सॉरी, और यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे अल्ताफ का और रोहित का जो रोल नंबर है सेम है 40 40, तो हम चाहते हैं रोहित का 50 हो जाए, तो यहाँ पे हम 50 लिखेंगे, किसका चेंज हो, रोहित का, ठीक है, रोहित का चेंज हो जाएगा। और इस जगह पे हम अभी क्वेरी ना पास करके सीधा डीबी अपडेट डेटा उसके बाद डीबी वैल्यू, उसके बाद हमें कमिट करने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कमिट कर भी सकते हैं। प्रोग्राम को पहले सेव करते देखते चेंजेस आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो नो डेटाबेस सेलेक्टेड, क्योंकि हम डेटा फेच कर रहे हैं, कोई भी डेटाबेस को सेलेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है, कर लेते हैं लर्न कोडिंग डॉट ईएमपी, डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अभी कुछ भी मैसेज नहीं आया, मतलब रिकॉर्ड अपडेट हो गया, क्योंकि हमने अपडेट के लिए कोई मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दे तो आपको समझ में आएगा, डेटा अपडेटेड, ठीक है, डेटा अपडेटेड। चलिए डेटाबेस में चलते हैं, सबसे पहले यहीं पे चेंजेस देख लेते हैं। तो अभी भी डेटा अपडेट नहीं हुआ क्योंकि कमिट नहीं किए हैं, तो कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, माई डी बी से कर देते हैं कमिट, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं मतलब हम डेटाबेस में चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कमिट कर दिए, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, हम क्या करते हैं इस कमिट मेथड को यहाँ पे ना कॉल करके अपडेट होने के बाद कमिट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एक मैसेज में थोड़ा सा चेंजेस कर दे रहे हैं। डी बी कर्जर डॉट रो काउंट को हम यहाँ पे कॉल कर ले रहे, ताकि मैसेज भी थोड़ा दिखे कि हाँ कितना रो अपडेट हुआ। प्रोग्राम को रन किया, वन डेटा अपडेटेड, मतलब एक रो का डेटा अपडेट हो गया। चलो डीबीएमएस में चलते हैं डेटाबेस में, अभी देखो यहाँ पे चेंजेस हो गया, यानी रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया। तो कमिट ऑपरेशन हम क्या करेंगे, सारी क्वेरी को परफॉर्म करने के बाद कमिट करेंगे, पहले कमिट करेंगे उसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। और कमिट इसलिए करते हैं ताकि परमानेंट चेंजेस जो किए हैं वो सेव हो जाए डेटाबेस में जाके, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। उसके लिए क्या करें, एक नया पाइथन फाइल क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट डॉट पी वाई नाम का यहाँ पे फाइल हमने क्रिएट कर लिया। स्टेप नंबर 6, अगर हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हुआ टेबल से तो कैसे डिलीट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्वेरी पास करेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर रोल इक्वल टू परसेंटेज, परसेंटेज के जगह पे हम एक वैल्यू पास करेंगे यहाँ से एक्चुअल वैल्यू। तो जो भी वैल्यू 10 रहेगा ना, जिस भी रो का वैल्यू 10 रहेगा वो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा, तो वो हमारे डिलीट रिकॉर्ड वाले इस ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट मेथड में ये डिलीट रिकॉर्ड और ये वैल्यू दोनों पैरामीटर को पास कर देंगे। आप चाहते तो इस डिलीट रिकॉर्ड के जगह पे ये पूरा क्वेरी ही यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन क्वेरी मत लिखिए, बेस्ट होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लें अपने पूरे ऑपरेशंस को और ऑब्जेक्ट को ही पास कर दें। उसके बाद आप कमिट कर दो और रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके देखना आपके टेबल में रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा। तो चलिए प्रैक्टिकली शो करके दिखाते हैं डिलीट हुआ कि नहीं। कोड को यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं,
इतना दूर तक का कोड और डिलीट वाले में पेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो हमारा डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे डिलीट वाली क्वेरी हम पास करेंगे, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम ईएमपी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वेयर क्लाउज यूज़ करना है, तो यहाँ पे इसको हम हटा देंगे और नेम से ही हम डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू में हम नेम पास करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपडेटेड डेटा के जगह पे डिलीट डेटा डीबी डिलीट डेटा बना देते हैं। और डेटा डिलीट हो जाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमारे पास होगा वही अपना डीबी कर्जर का एग्जीक्यूट मेथड में हम पास करेंगे सबसे पहले अपना डिलीटेड डेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डीबी डिलीटेड डेटा और वैल्यू, तो यहाँ पे डीबी वैल्यू। फिर क्या करना, हमें कमिट करना है, तो कमिट के लिए माई डीबी यूज़ करेंगे हम। हमने कमिट कर दिया और मैसेज दे देते हैं प्रिंट में कि वन रो डिलीटेड, ठीक है, तो रिकॉर्ड डिलीटेड, ओके। और ये डीबी कर्जर को भी यूज़ कर लेते हैं, डीबी कर्जर डॉट रो काउंट, यानी कितना रिकॉर्ड डिलीट हुआ हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। तो इसको सेव करके अगर हम रन करें तो यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा, लेकिन हमें क्या हुआ, एरर मिल गया, इट मस्ट बी टाइप ऑफ लिस्ट टपल और डिक्शनरी। यहाँ पे एक कॉमा ऐड करते हैं और डिलीट का स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन कर रहे हैं। तो अभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा, लेकिन नो डेटाबेस सेलेक्टेड, अच्छा यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं है, तो लर्न कोडिंग डॉट ईएमपी आप सेलेक्ट करिएगा। तो वन रिकॉर्ड डिलीटेड, इट मींस रोहित का जो डेटा है वो डिलीट हो चुका है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे रोहित अभी नहीं है, प्रीवियसली यहाँ पे देखो रोहित था लेकिन अभी नहीं है, इसका मतलब रिकॉर्ड डिलीट हो गया। बट इस मेथड से अगर आप रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो आपको एक बार में एक रिकॉर्ड ही डिलीटेड मिलेगा। फर्स्ट टाइम एरर आ रहा था क्योंकि हम यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं किए थे, हम जो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं वो टपल के फॉर्म में कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे कॉमा देख के एक यहाँ पे स्पेस रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉलम टेबल में मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो हम एक के थ्रू वैल्यू को पूरा रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं, इसीलिए कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो मुझे एक बार में टेबल का सारा डेटा डिलीट करना है, तो फिर वो कैसे होगा, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा उसका जो क्वेरी होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट के जगह पे ट्रंकेट यूज़ करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ट्रंकेट टेबल टेबल का नेम, ठीक है। और जस्ट आपको एक ही पैरामीटर यहाँ पे पास करना पड़ेगा, इसको रिमूव कर दीजिएगा, तो अभी हमारा जो रिकॉर्ड है वो टेबल का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो डेटाबेस सेलेक्टेड, सॉरी मैं डेटाबेस को स्कीमा को लेना भूल जा रहा, तो ज़ीरो रिकॉर्ड डिलीटेड, यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड डिलीटेड नहीं बता रहा। अच्छा देखो रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहिए था ऑल रिकॉर्ड डिलीटेड, बट ये काउंट में ज़ीरो शो कर रहा, क्योंकि सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाने के बाद काउंट का वैल्यू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, इसीलिए यहाँ पे हमें ज़ीरो थ्रो कर रहा, ठीक है। बट यहाँ पे आप ये मैसेज को प्रिंट ना करो, आप जस्ट इतना ही मैसेज प्रिंट करो और प्रोग्राम को रन करो, तो आपको ताकि समझ में आए ऑल रिकॉर्ड डिलीटेड, और डेटाबेस में सारा रिकॉर्ड देखो डिलीट हो चुका है। तो ये था हमारा पाइथन से कैसे MySQL को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद टेबल क्रिएट करना, रिकॉर्ड सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ट्रंकेट करना, हमने सभी ऑपरेशंस को आपको परफॉर्म करके दिखाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।